सभी का स्वागत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में। स्वीकार कीजिए आकांक्षा सिंह का नमस्कार। अरुण जी आपको भी नमस्ते। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार। और आज वो खास दिन है, रंगों का त्योहार बिल्कुल हमारे सामने है और कल होली का त्योहार है, तो श्रोताओं को होली के अवसर पर भी हम सब आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इस रंगीन त्योहार के रंगों से सराबोर होने के लिए तैयार है श्रोता। बिल्कुल और... रंगों से सराबोर हो हमारे श्रोता, लेकिन साथ ही ध्यान रखें कि बहुत से लोग रंगों से परहेज करते हैं, त्वचा को लेकर के कई लोगों को समस्या आ जाती है, तो सूखे और आजकल तो हर्बल रंग भी उपलब्ध हैं, तो आप सूखे और इस तरह के रंगों का मतलब व्यक्ति जो खुशियों में जिस हद तक शामिल होना चाहे कोई बाध्यता ना करें और मिलजुल कर रहें, त्योहार मनाएं, खुशियां मनाएं, इस त्योहार का यही संदेश है जी। और हम तैयार हैं अपने श्रोताओं के ईमेल पत्रों के साथ जी। ये पहला ईमेल आया है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सरायमोहना वाराणसी से, और इन्होंने इसमें ये भी बताया है कि प्रेजेंटली इन महाराष्ट्र। बिल्कुल, तो आप हमारे जहां भी हैं, अगर किसी रिश्ते नाते में काम से गए हैं लेकिन वहां भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और मेल भेज रहे हैं, ये बड़ी प्रशंसा की बात है और इसके लिए हम आपको खास तौर से शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार सुनते रहें और हमसे जुड़े रहें जी। तो अपने बनारस से हजारों किलोमीटर दूर रहकर गुड मॉर्निंग बनारस, साथ ही महाशिवरात्रि के साथ ही जो अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो इन्हें अच्छे लगे, कहकशा, आराधना, अंगनैया और जय भारती कार्यक्रम का इन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा आज इतवार है और सुगम संगीत के कार्यक्रम में महुआ बनर्जी सहित अन्य कलाकारों की प्रस्तुति भी सराहनीय लगी। बिल्कुल, यानी आप गए हैं जहां पर वहां पर भी आप दिन भर हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और अब तो जैसे आप चलते फिरते घूमते हुए भी मोबाइल ऐप पर जब भी समय मिले कार्यक्रमों को आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। और आपने सुना और कार्यक्रम आपको पसंद आए, आपकी बधाई इन तमाम कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता तक पहुंच रही है। बिल्कुल, ये यही कह रहे हैं कि कार्यक्रम ऑनलाइन सुनना बहुत ही आनंद देता है, शब्दों में ये बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, दूरियां कम हो जाती हैं और अपने शहर से जब व्यक्ति दूर होता है तो यहाँ के जो हमारे कार्यक्रम है वो एक ऐसा जरिया बनते हैं जो आपको अपने जनपद से जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ से, वहाँ की यादों से जोड़े रहते हैं हमारे कार्यक्रम आपको। इन्होंने 5 मार्च के दिन प्रसारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का जिक्र किया है जो केंद्रित था महाशिवरात्रि पर। जानकारी के साथ ही शिव भजन बजाए गए, ये कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आया। इसके अलावा आज इतवार है, इसके अंतर्गत नाटक हड़ताल प्रस्तुत किया गया था जो सामाजिक संदेश देने वाला था और गुदगुदा भी गया, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण नाटक था ये। धन्यवाद के साथ इन्होंने एक ही कलाकार कार्यक्रम का जिक्र किया है जो केंद्रित था संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण पर, प्रस्तुति बेहद सराहनीय लगी और एक ही फिल्म में विश्व महिला दिवस के अवसर पर नीरजा फिल्म पर केंद्रित कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था वो भी बेहतरीन था। तो हमें अच्छा लगा कि तमाम कार्यक्रम आपको पसंद है। और जहां तक महाशिवरात्रि के त्योहार की बात है तो हम तो काशी में हैं, बनारस में हैं और यहां बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम है, मंदिर है जहां देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और दर्शन कर अपना सौभाग्य समझते हैं। तो हम लोगों का तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें है कार्य कि हम जो बाबा भोलेनाथ हैं उनके इस खास त्योहार पर जो भी आयोजन होते हैं उनसे जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाएं, गीत संगीत भजन के जरिए जोड़े रहें हमारे तमाम श्रोताओं को इस आयोजन से। और ये प्रस्तुतियां इस बात की ताकीद करती हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए और हम इस परिश्रम को आप तक पहुंचाने में सफल रहे, आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही अरुण जी इनका एक और ईमेल है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है 26 फरवरी के दिन महान गायक पंकज उदास पर जो केंद्रित कार्यक्रम था श्रद्धांजलि स्वरूप, वो इन्हें अच्छा लगा। पंकज उदास हमारे दौर के एक महान गायक रहे, कई फिल्मों में भी उनके यादगार गाने हैं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं और गजलों के लिए तो बहुत ही महारत उनको हासिल रही है। और ये बात है कि उनके गाए हुए गीत गजलें हमारे साथ हमेशा रहेंगी और उनकी यादों को तरोताजा किए रहेंगी। साथ ही आज इतवार है के अंतर्गत जो नाटक प्रसारित हुआ था मेहमान कैसे कैसे, सामाजिक संदेश देता ये नाटक इन्हें बहुत गुदगुदा गया और अच्छा लगा। इसके अलावा बृहस्पतिवार को जो प्रस्तुत कार्यक्रम था एक ही कलाकार, महान अदाकारा नूतन जी और अमोल पालेकर पर जो केंद्रित कार्यक्रम थे वो भी इन्हें अच्छे लगे। साथ ही 2 मार्च को संध्या काल में बसंत ऋतु पर
मिश्रा जी द्वारा कविता पाठ किया गया, वो भी इन्हें अच्छा लगा। तो आपको स्वरबेला कार्यक्रम में काव्य पाठ पसंद आया। और जो अमोल पालेकर की बात हो या नूतन की बात हो, वास्तव में ऐसे कलाकारों का योगदान बहुत ही अहम है फिल्मी दुनिया में। और हमारे उस दौर के ये सभी कलाकार हैं जब फिल्में सामाजिक रूप से सभी के मनोरंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ ही माध्यम उपलब्ध थे, तो उनमें फिल्में प्रमुख थीं और फिल्मों का हर घर परिवार समाज पर प्रभाव बहुत ही गहरा होता है, इस बात की तो हम सभी इसको मानते हैं। जी बिल्कुल, और आगे ही कह रहे हैं कि गांधी चर्चा के लिए अरुण जी को विशेष धन्यवाद। तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं महात्मा गांधी की हमें, तो उनके विचारों की हमें, तो और प्रासंगिकता सदा रही है। और बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं अपने जीवन में, शख्सियतें ऐसी हुई हैं जिन्होंने गांधी के विचारों को आदर्श बनाया, जीवन में सफलता पाई। तो ऐसे शख्सियत को इन कार्यक्रमों के जरिए हम श्रोताओं के बीच हमेशा रखना चाहते हैं। आपको ये प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं जानकर हमें अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं इस मेल के लिए। जी तो शेष अगले पत्र में ये कहते हुए रत्ना त्रिपाठी जी ने आज्ञा ली है, तो धन्यवाद के साथ अगला जो ईमेल है ये नीरजा त्रिपाठी इनके साथ आर्या त्रिपाठी जी का है, बाघाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से। कह रहे हैं कि इधर कुछ दिनों में प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सितार वादन, बांसुरी वादन, गायन और गिटार वादन बहुत ही सराहनीय था। इसके अलावा कुछ बातें, कुछ गीत इस कार्यक्रम में, जो गीत प्रस्तुत किए गए वे भी अच्छे लगे। अच्छी जानकारी के साथ मधुर गीत सुनवाए गए, प्रस्तुता को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बनारस का जिक्र किया है इन्होंने, साथ ही ये गुजारिश कर रहे हैं कि शनिवार और मंगलवार को दोपहर 2:30 पर एक दिन नाटक और एक दिन शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। दोनों ही दिन कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल, हमें तो ऐसा नहीं लगता। और एक पिछले भी कार्यक्रम में श्रोता ने ऐसा जिक्र किया था, जहां तक नाटक की बात है यानी फुल फ्लेज 30 मिनट के नाटक की, तो वो हम हफ्ते में आपको रात के समय में आपको सुनवाते हैं। तो जो रात्रिकालीन नाटक का चंक है उसे सुने। और शनिवार को तो हमारे यहाँ हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है जो बहुत ही लोकप्रिय है, और दिन भर तो बाकी कार्यक्रम आपको 11 बजे जैसे कहकशां होता है। और जहां तक शास्त्रीय संगीत की बात आपने कही तो वो भी है शनिवार को भी 12:45 से, जैसे रोज होता है वैसे वो शनिवार को भी है, तो वो कार्यक्रम भी आप सुना करें। खासतौर से ये कहें कई श्रोता कार्यक्रम जिसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो सुबह 6:50 पर दिन में 1 बजे और फिर शाम को 6:05 पर कार्यक्रम विवरण हमारे यहाँ से प्रसारित होते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके कार्यक्रम विवरण सुन लेंगे तो आपको अगले दिन के और उस दिन के सारे कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाएगी, फिर आप अपनी पसंद के कार्यक्रम सुन पाएंगे समय से, और फिर इस तरह की शिकायतें जो हैं वो आपकी नहीं रहेंगी। जी, कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में जो नाटक सुनवाया जाता है बहुत ही अच्छा लगता है, ये कहकर इन्होंने अपना पत्र यहीं समाप्त किया है। तो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में भी कभी कभी हम लोग प्रहसन, झलकी और छोटे जो नाटक होते हैं वो सुनवाते हैं। ऐसी प्रस्तुतियां आपको पसंद आती हैं जो समसामयिक होती हैं, आपकी बधाई कार्यक्रम प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। बिल्कुल, धन्यवाद इन्हें देते हैं और अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं। जी, जो आया है नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी जी का। कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी फरमाइशी प्रोग्राम बेहद शानदार होते हैं और उसे सफल बनाने में आपके जो प्रस्तोता हैं उनकी मेहनत होती है। अगर कोई श्रोता कहता है कि हमारे ईमेल या मैसेज शामिल नहीं होते तो उसका कारण श्रोता खुद होते हैं। कुछ श्रोता अलग अलग आईडी या नंबर से कई बार मेल या मैसेज या अपना नाम भेजते रहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कुछ श्रोता जिनका जिक्र आपने किया है वो ऐसे भी हैं कि 2-3 नाम जोड़ देते हैं और वो कई नाम होते हैं, हमें भी प्रथम दृष्टया लगता है कि वो सही नाम नहीं है। तो इस कार्यक्रम के जरिए भी तमाम श्रोताओं को कहेंगे कि वो जो कार्यक्रम का समय होता है खासतौर से व्हाट्सएप या ईमेल या खतों वाला, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम खुद चाहते हैं हम लोग कि आपको गाने भी पूरे सुनवाए जाएं, नाम भी आपके सही सही पूरे पढ़े जाएं, लेकिन इसके लिए आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग ये अपेक्षित है कि एक फरमाइश में 2-4 नाम ही भेजें और सही सही वास्तविक नाम भेजें, पुकार के नाम, दुकान, प्रतिष्ठान या श्रोता क्लबों के नाम न लिखें, वो हम शामिल नहीं करते। और कोई भी विशेष जो आप उल्लेख करते हैं संबोधन में वो संबोधन न लिखें, तो कार्यक्रम और भी अच्छा हो पाएगा। और आपको कई कार्यक्रमों का जिनका आपने जिक्र किया कमल जी, वो आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। कार्यक्रमों से जुड़े रहें और मेल भी हमें भेजते रहें। और अगला जो ईमेल है अरुण जी, इसमें है एक शिकायत। हमारे जो श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उनके साथ उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, जमानिया जिला गाजीपुर से,
शिकायत इनकी ये है कि 24 फरवरी के पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के अंत में इतने सारे लोगों का ईमेल हमारे पास पड़ा है जिसमें हमने सिर्फ नाम लिए थे क्योंकि समय समाप्त हो गया था तो उसमें इनका नाम भी था, जबकि 2 मार्च के पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में मेरा ईमेल नहीं शामिल किया गया। कुछ नए ईमेल शामिल हुए तो ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आया, जब नाम बताया गया था तो शामिल क्यों नहीं हुआ। हम ये कहें कि सही सही बात तो ये है कि 10-12 आप जैसे ही पुराने श्रोता हैं जो हमें मेल भेज रहे हैं। आज के हालांकि कार्यक्रम में जरूर कुछ 2-4 नाम नए आए हैं जिन्होंने मेल भेजना शुरू किया है, तो हम उन्हें शुक्रिया कहें। लेकिन ये है कि हम लोग जब मेल का ये कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, छांटते हैं, तो ये देखते हैं कि सभी श्रोताओं को प्रतिनिधित्व मिले और अलग अलग कार्यक्रमों का जिक्र हो। क्योंकि आपको ये बताएं, जैसे आपका भी 1-2 मेल हमारे पास रहता है, रतिनाथ त्रिपाठी जी का रहता है और जो दिलशाद जी हैं उनके भी मेल रहते हैं, तो हर आदमी के अगर 2-3 मेल हैं तो उसमें से एक ही मेल हम एक कार्यक्रम में लेते हैं। अगर छोटी छोटी बातें लिखी हैं तो 1-2 एक साथ ले लेते हैं। तो ये हम लोग अपने विवेक पर थोड़ा सा तय करते हैं। इसीलिए शुरू में कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि बचे हुए मेल बताए जाएं, लेकिन हमें भी लगा कि उससे कोई समाधान नहीं होने वाला है और अधिकतर श्रोता हैं जिनके मेल शामिल होते हैं और उन्हीं के ही 1-2 मेल हमारे पास पड़े रहते हैं। तो फिलहाल यही स्थिति है। और जैसे आज आपका शामिल हो गया, अगर कई बार ये होता है कि 1-2 हफ्ते नहीं भी शामिल हुआ तो बाकी कार्यक्रमों में तो आपके नाम आते ही और मेल हमारे पास सुरक्षित रहते जरूर हैं और उन्हें हम किसी कार्यक्रम में जरूर आइंदा वक्त में शामिल करते हैं। बिल्कुल। तो अरुण जी, मुझे लगता है कि इनकी जो शिकायत है उसका समाधान इन्हें मिला होगा आपके उत्तर से। जी, श्रोता थोड़ा सा नियमित रूप से सुनेंगे कार्यक्रमों को और 1-2 हफ्ते इंतजार करेंगे, तुरंत व्यग्र न हो, और तो थोड़ा हम लोग का भी साथ दें क्योंकि अधिक से अधिक श्रोताओं को प्रतिनिधित्व मिले, उनकी बातें इस कार्यक्रम में शामिल हो, हम सबका यही प्रयास रहता है। बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम का ये आखिरी ईमेल जो आया है वो आया है असगर अली की तरफ से। जी जी, हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं और शिवपुर वाराणसी से ये हमें मेल भेजते हैं, कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं। इन्होंने अपना पत्र शुरू किया है एक शिकायत के साथ। जी जी, कहते हैं कि पहले हेलो फोन इन फरमाइश की जो रिकॉर्डिंग होती थी तो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कॉल रिसीविंग बंद कर दिया जाता था और कॉलर को पता चल जाता था कि कार्यक्रम खत्म हो गया है, यानी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है। लेकिन अब शाम के 1:35 पर भी 1052 पर, यानी कि इन्होंने नंबर का जिक्र किया है, कॉल करने से अभी भी आवाज आ रहा है, रिंगटोन ना बजकर बिजी बता रहा है। जी, हम ये आपको बताएं असगर जी कि जैसे आपके घर में भी पहले तार वाले फोन होते थे, हो सकता है होंगे भी, तो ये जरूर करना है आपको कि अपने ओर से हम लोग तार तो निकालते नहीं, यानी मशीन वहां पर रहती है और फोन भी उसमें आते रहते हैं। तो फोन अगर आप 12 बजे रात को भी करेंगे तो उस नंबर पर फोन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो तय समय पर हो और उस समय हम लोग आपके कॉल रिसीव करें, इस बात पर ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो 10:30 से 11:15 के बीच रिकॉर्डिंग होती है। एक चीज और है जो कुछ श्रोता कहते हैं कि पहले उनको बिजी टोन सुनाई देता था, लेकिन पहले आपको याद होगा कि फोन इन में या फिर हेलो जो हमारे यहाँ आरोग्यम कार्यक्रम है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बातें होती हैं, तो उसमें बीप्स की आवाज आती थी। जैसे अभी आप मोबाइल पर अगर किसी से बात कर रहे हैं और किसी और का फोन उसी समय आ रहा है तो वो टू टू यानी बीप्स की आवाज आपको सुनाई देती है, तो वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो जाती थी। तो उसे हम लोगों ने प्रयास करके उसे विभाग से उस टोन को हटवाया है। तो फिलवक्त ये स्थिति है कि बहुत सारे एक्सचेंज पर और श्रोताओं को बिजी टोन न मिल करके रिंग टोन सुनाई देती है, लेकिन उस समय हम लोग किसी और श्रोता से बात कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आज इस कार्यक्रम के जरिए तमाम श्रोता इस बात को समझ जाएंगे कि जब उन्हें रिंग टोन भी अगर सुनाई दे रहा है, क्योंकि 10:30 से 11:15 के बीच अमूमन रिकॉर्डिंग होती ही होती है और उस बीच अगर हमारे यहाँ कोई भी हम रहे या कोई साथी रहे तो रिकॉर्डिंग के लिए उपलब्ध रहते हैं और वो बात कर रहे होते हैं जब आपको टोन या फिर बिजी टोन सुनाई देता है। और तार हम लोग नहीं निकालते, फोन कभी भी ऑफ नहीं करते और पहले भी नहीं करते थे, उसमें आवाज म्यूट रहती है और वहां से बाकी प्रसारण भी उसी स्टूडियो से होते हैं, लेकिन दिन भर उसे कोई रिसीव नहीं करता। बिल्कुल, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र इन्होंने लिखा है। साथ ही ये आगे कह रहे हैं कि पहले जो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम जिसमें गीत बजाए जाते थे तो इन्होंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन अरुण जी आपने इसको ये कहकर छिपाने की कोशिश की कि हम लोग भी कभी कभी अगर समय कम है तो अपने समय में गाना बजा दिया करते थे। ये कहेंगे कि आमतौर पे तो आपके मेल और खत होने चाहिए और पूरे के पूरे समय वही जाएं, उनके जवाब दिए जाएं, हमारी कोशिश यही रहती है, पहले भी यही कोशिश होती थी और अभी भी यही कोशिश है।
तो उम्मीद है कि आप साथ बनाए रखेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक इस कार्यक्रम में भेजते रहेंगे। साथ ही कुछ कार्यक्रमों की इन्होंने तारीफ की है कि कहकशा कार्यक्रम में कुछ दिन पहले बहुत अच्छी गजलें सुनाई गई थी, पिछले 4 हफ्ते अच्छी अच्छी गजलें सुनवाई गई, तो प्रस्तोता को धन्यवाद। अच्छा, इन्होंने 4 हफ्ते प्रोग्राम सुनकर ये मेल भेजा है क्या? तो ऐसा ना करें, हर हफ्ते प्रोग्राम सुने और हर हफ्ते एक मेल भेजे, ताकि आपका मेल संक्षेप में हो और ऐसा ना हो कि एक दिन सिर्फ आपका ही मेल 8-10 मिनट पढ़ा जाए असगर जी, क्योंकि फिर बाकी श्रोताओं को शिकायत होगी। तो हर श्रोता संक्षेप में मेल तमाम कार्यक्रमों के बारे में हफ्तावार भेजे, ताकि अधिक से अधिक मेल भी शामिल हो और आपका मेल भी बड़ा न हो जाए। तो हम असगर अली जी को इस विस्तृत मेल के लिए बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। ये उम्मीद जरूर हम लोग लगाए रखेंगे असगर जी कि आप कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनेंगे और आराम से शांत संयम और हम सबको प्रोत्साहन देने के अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएंगे। शिकायतों का भी हम बिल्कुल इसी तरह स्वागत करते हैं, उसका भी ये मंच है, लेकिन थोड़ा सा दोनों ओर से एक दूसरे को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यवस्था के तहत आकाशवाणी का प्रसारण चलता है, तमाम लोग इसमें जुड़े रहते हैं, तो बहुत सी चीजों का हम लोग को भी ख्याल रखना होता है। और खासतौर से इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, उनकी बातें शामिल हों और हम लोग उनको संतोषजनक जवाब दे सकें, ये हमारी कोशिश होती है। और आपके ईमेल हम तक पहुंचेंगे कहां पे? इस ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com। और अगर आप खतों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पत्र लिखने का पता है, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिनकोड 221010। और चलते चलते आप सभी को फिर एक बार आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हमारी ओर से इस रंगोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली को खुशियों के साथ और उमंग उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहें, इस उत्साह के बीच भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाते रहें। और अब इजाजत लिया जाए आकांक्षा जी, श्रोताओं को अरुण पांडे और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।